रेवाड़ी जिले के एक गांव मामड़िया ठेठर में सीआरपीएफ के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजन डीजे वाले पर आरोप हत्या का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। दरअसल हुआ यह कि मामड़िया ठेठर में रामपुरी गांव से बारात आई थी। डीजे बजाने को लेकर बारात और डीजे वाले के बीच झगड़ा हो गया और डीजे वाले ने अपनी पिकअप गाड़ी वहां लगा दी। पीछे से कुछ बाराती पिकअप में चढ़ गए। पिकअप में चढ़ने वाला व्यक्ति दूल्हे का भाई 30 वर्षीय अनूप भी था, जो सीआरपी में कार्यरत है। कुछ देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि अनूप घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनूप जी, क्या पूरा वाक्य हुआ, मृतक आपका क्या लगता था, शादी किसकी थी, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? शादी मेरी थी। आपकी थी? कैसे, क्या ये हादसा हुआ? आप मामला दर्ज करा रहे हैं, क्या पूरा वाक्य हुआ, किस तरह आपको पता लगा आपके भाई की डेथ हो गई? डीजे वाले के साथ बहस हुई थी कुछ। कैसे, किस बात को लेकर डीजे वाले के साथ बहस हुई? आगे लेके चले गए पहले, फिर उनको रोका तो जी बहस हुई। किस चीज से उन्होंने मारी, कैसे आपको पता लगा? सर ये नहीं पता किससे मारी है। कैसे आपको बैठा के लेके चले गए, फिर आगे जाके फिर गाड़ी लगाई पीछे, तब देखा है आगे जब गया आपके फेरे हो चुके थे तब तक? नहीं। क्या पूरा मामला था ये? गांव कौन सा है? एक मिनट, तो आप रामपुरी से बरात आए? रामपुरी से बरात आए। सर क्या पूरा मामला था ये? अभी हमें ये सूचना मिली है कि भी एक डेड बॉडी यहाँ अनूप की, जो रामपुरी का रहने वाला है, उसकी यहाँ हॉस्पिटल में वो बॉडी है। तो ये पता लगा कि बारात में डीजे के टाइम कोई ऐसी कोई वो हुई है, घटना हुई है, लेकिन अभी घटना की जांच की जा रही है।